प्यारे फैसिनेटर भाइयों, पहले हम इन ऐप में एंट्री करते थे, लेकिन आज नई ऐप आ गई है, भारत पशुधन ऐप, जिसका एंट्री हम कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। जो कि आप देख रहे हैं, यह एंट्री हम मोबाइल से कर रहे हैं। जैसे आप एक मोबाइल लिए हुए हैं, जिसे आप गौर से देखें। करने के लिए सबसे पहले हम मोबाइल में भारत पशुधन ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, जो प्ले स्टोर खोलकर सर्च कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे व आईडी लॉगिन करेंगे। इस प्रकार पुराने वाले आईडी जो पशुपालन विभाग से मिला है उसे एंट्री करेंगे। उसके बाद आईडी डालने के बाद उसी आईडी में अंडरस्कोर VR जोड़ देंगे व नीचे पासवर्ड के रूप में ई पशुधन लिख कर 123 लिख देंगे। यह पासवर्ड होगा और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमें कुछ पोर्टल खुलकर आएगा, जो कि इस प्रकार होगा, जिसमें हमको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होगा, जिसमें ओल्ड पासवर्ड देना होगा, यानी करेंट पासवर्ड लिखा हुआ होगा वो देंगे, और करेंट पासवर्ड के रूप में वही जो हम पासवर्ड करेंट में तैयार किए थे ई पशुधन 123 भरेंगे। उसके बाद नीचे पासवर्ड दिया गया है, एक पासवर्ड भरेंगे, फिर उसमें री पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि सेम पासवर्ड जो बनाएंगे। तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल लेटर लेंगे। जैसे एक नाम ले लेते हैं राहुल, तो पासवर्ड बनाना है हमको तो आर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल लेटर में बाकी लिखेंगे RAHUL @ लिख देंगे। उसके बाद 123 या अदर अंक भी लिख सकते हैं। तो इस पासवर्ड को हम क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट बटन पर ओके करेंगे। ओके करते ही मोबाइल नंबर अपडेटिंग का मैसेज आ जाएगा। मोबाइल नंबर में ओके करेंगे तो OTP गिरेगा, OTP डाल देंगे और इस तरह मेरा पशुधन ऐप का पासवर्ड क्रिएट हो गया और नया आईडी जनरेट हो गया। अब हम इसमें कार्य चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल मैनेजमेंट पे ओके करेंगे। इसके बाद ऑनर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनर का आधार कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, कैटेगोरी भरकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद उसका पता लिखेंगे, यानी गांव का नाम लिखेंगे, वार्ड सेट करेंगे, या गांव है तो गांव सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो इस गांव में आपको मिला हुआ होगा पहले से आईडी, उस गांव में ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रीवियस पेज जाकर चेक कर लेंगे क्या कुछ गलत है या सही है। अगर गलत होगा तो बैक जाकर फिर उसको सही कर लेंगे, और सही होगा तो सबमिट बटन पर ओके करेंगे। ओके करते ही मोबाइल नंबर लिखेगा, जो कि हम मोबाइल नंबर पर वेरीफाई पर ओके करेंगे तो एक OTP गिरेगा। OTP को भर लेंगे। मोबाइल यानी कि ऑनर रजिस्ट्रेशन हो गया। परंतु कभी कभी देखा गया है कि हम रजिस्टर में लिखकर घर पर चले आए, उस अवस्था में ऑनर तो रहेंगे नहीं, तो उस अवस्था में हम वेरीफाई लेटर कर देंगे। जैसे ही लेटर या वेरीफाई कर लेंगे तो हमें ऐड एनिमल का ऑप्शन आएगा। ऐड एनिमल का ऑप्शन आएगा, उसको आगे बढ़ेंगे और जानवर का टैग आईडी भरेंगे। इसके बाद उसका डिटेल भरेंगे और हम पशु और उस यानी अभी तो बकरी पालन का कर रहे हैं, तो बकरी और उस बकरी पालक का जो फोटो खींचे हैं उसे हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद प्रीवियस पर ओके करेंगे। प्रीवियस पर जैसे ही हम ओके करेंगे, उस पशुपालक का प्रीवियस डिटेल्स आ जाएगा। प्रीवियस डिटेल को चेक कर लेंगे गलत है या सही है। अगर
गलत है तो बैक जाकर सही कर लेंगे, यानी कैंसिल कर यानी सही कर लेंगे। अगर सही है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फिर पहले की तरह वेरीफाई मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होगा। वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पर ओके करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा, और वेरीफाई लेटर के पर ओके करेंगे तो ओटीपी नहीं गिरेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह हम रजिस्ट्रेशन एनुअल रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, डाटा भरना हम सीख गए हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर हम डाटा भर लिए तो वैक्सीन कैसे करें। तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी आप तक मिले। अगर आपको चाहिए कि हम वैक्सीन कैसे करें, वैक्सीनेटर यानी वैक्सीन का रिपोर्ट कैसे चढ़ाएं, तो हमारे इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो उसके आधार पर आपको वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में जो कमी हो उसके बारे में आप कमेंट कर हमसे पूछें तो उस प्रकार का वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप इस तरह की नई नई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।